3, 2, 1, jump! एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे स्कूल के कोई भी नॉर्मल एग्जाम हो या कॉलेज के कोई भी एग्जाम हो, डर सभी में लगता है, गला सब एग्जाम में सूखता है, हार्ट बीट सारे एग्जाम्स में तेज हो जाते हैं, लेकिन मुकद्दर का सिकंदर वही बनता है जो एग्जाम पास कर लेता है। और एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई भी करनी पड़ती है। और आजकल बच्चे कितनी पढ़ाई करते हैं वो तो हम सभी को पता है। सभी को चाहिए तुरंत आंसर मिले, क्वेश्चन मिले, फटाक से उसको याद करूं और एग्जाम में लिख दूं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे बच्चों के आंसर शीट शो करने वाली हूं जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और खुराफाती दिमाग से ऐसे जवाब दिए हैं जिसके जवाब आप ढूंढने जाइएगा तो आपको जवाब मिलेगा कि इसका कोई जवाब नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, ये हिंदी के क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम के भेद लिखिए। क्वेश्चन समझ गए? अब इसमें क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर, हम आज ही केरल से आए हैं, इसका जवाब क्या होगा? तो फिर चले जाओ। अरे ये क्या जवाब हुआ, तो फिर चले जाओ मतलब केरल से आए हैं तो वापस चले जाओ। दूसरा देखते हैं, तुम क्या खाओगे? पाव भाजी। भाई इसे इस बंदे को भूख बहुत लगा हुआ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है मैं स्वयं बाजार जाऊंगी, तो चली जाना फिर। भाई ऐसे बच्चों को देख करके तो लगता है कि वो स्प्राइट पीकर आए हैं। सीधी बात, नो बकवास। भाई क्रिएटिविटी और खुराफाती का पहला एग्जाम्पल है ये। आगे देखिए, हिंदी के ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द लिखें। जो कभी ना मरे साउथ का हीरो, जो कभी ना दिखे मिस्टर इंडिया, जिसका कोई अंत ना हो मेरी माँ का भाषण। भाई प्रैक्टिकल कर डाला इसने, सदा झूठ बोलने वाला नेताजी, जो कभी ना हारे छोटा भीम, आकाश को चूमने वाला हेलीकॉप्टर। भाई ऐसे जवाब की आपने कल्पना की थी? मैं तो हैरान हूँ इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी क्रिएटिविटी, इतना लॉजिक कैसे लगाया इस बंदे ने। इस बंदे को तो पुरस्कार मिलना चाहिए, मेरी तरफ से भी इस बंदे को पुरस्कार मिलना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं क्या है, रामनवमी क्यों मनाई जाती है, या फिर रामनवमी क्या होती है, क्यों होती है, इसका जवाब आप लोग सोचिए क्या हो सकता है। वही होगा जो आपका जवाब होगा। इस बंदे ने, इस स्टूडेंट ने देखिए क्या आंसर दिया है, इस दिन श्री रामचंद्र जी 8वीं से 9वीं क्लास में आए थे इसलिए रामनवमी मनाई जाती है। मतलब श्री रामचंद्र 8वीं से 9वीं में आए थे, मतलब रामनवमी राम नौमा में आए थे, नौमा क्लास में। देखिए इस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी पढ़ने में, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, जो भी कहिए। अगला देखते हैं, हिंदी के ही अगले क्वेश्चन है, मुहावरे का अर्थ समझाएं। तो आप देखिए क्या बनाया है इसने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये पहला क्वेश्चन था। अब इसका देखिए उसने आंसर कैसे लिखा, आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, ये है उल्टा, चोर को उल्टा कर दिया और यहाँ पर कोतवाल साहब जी हैं और उसको डांट रहे हैं। क्या ऐसे आंसर से कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? खैर आपके चेहरे पर स्माइल तो आ गई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, लाइफ में हर चीज़, जितना भी चीज़ हम जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, उसका प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल करिएगा, लाइफ आपको प्रूफ दे देगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकल में कैसे आजमाना चाहिए। लेकिन इस बच्चे ने प्रैक्टिकल को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। देखिए क्या है, 1857 की क्रांति पर प्रकाश डालें। कैसे डालिएगा प्रकाश, देखिए कैसे डाला है, 1857 की क्रांति पर प्रकाश डाला गया, इसने ये लिख दिया और यहाँ एक टॉर्च बना दिया और उससे रोशनी प्रकाश इसके ऊपर पड़ रहा है। भाई
ऐसे बंदे का प्रकाश और प्रैक्टिकल दोनों को मिक्सअप करके आंसर का अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया। अब इसी में एक और एग्जांपल देखिए, हड़प्पा मोहनजोदारो की संस्कृति पर प्रकाश डाले। हड़प्पा मोहनजोदारो की संस्कृति, यहाँ टॉर्च और यहाँ प्रकाश उस पर जाया जा रहा है। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ऐसे बच्चे को कितना मार्क्स मिलना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऐसे बच्चों को एज अ टीचर, अगर आप टीचर होते तो आप इसको कितने मार्क्स देते। अगर मेरे कहें तो भाई इसमें काफ़ी क्रिएटिविटी लगाए हैं, खुरापाती दिमाग लगाया है, जवाब का भी कोई जवाब नहीं है, क्या कहा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, उसका नाम लिखें। इस महाशय ने क्या लिखा है, बाहुबली। हाँ, बाहुबली चांद पर, बाहुबली चांद पर गया तो कटप्पा को किसने मारा। खैर देखिए इसने क्या दिया, इसको इसने डिफाइन भी किया कि बाहुबली कैसे चांद पर गया। बाहु का इंग्लिश आर्म और बली का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग, आर्म स्ट्रॉन्ग। वाह क्या लॉजिक लगाया इस बंदे ने, इसे तो 5 out of 10 मिलना चाहिए, मतलब 5 marks में 10 number मिलना चाहिए। लॉजिक तो देखिए, आर्म स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट बट नॉट लिस्ट, काल कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसने भी लिखा है काल 3 प्रकार के होते हैं। इसने काल को शायद कॉल समझ लिया है, डायल कॉल, रिसीव कॉल, मिस कॉल। अब मिस कॉल पर इसने एक नोट लिखा है जो आजकल लुप्त हो गया है जियो की वजह से। ठीक, इसका टीचर ने क्या जवाब दिया है, अबे तू भी लुप्त हो जाएगा स्कूल से जियो की तरह। क्या जवाब है। अंत में आप सभी के लिए एक पोयम है मेरी ओर से, ध्यान दीजिएगा पोयम पर। यह पोयम न्यूटन, आइंस्टाइन और थॉमस का फेवरेट सॉन्ग है, फेवरेट पोयम है, मतलब कि इन लोग का भी फेवरेट पोयम था। सुनिएगा, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो बनाए फॉर्मूला और करे बच्चों का जीना हराम। वाह भाई वाह। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने से पहले एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे जवाब देने से अच्छा है कि आप थोड़ी पढ़ाई कर लें और पढ़ाई करके एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से पास कर लें। बट अगर आपको चेहरे पर थोड़ा सा भी स्माइल आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो बनाएं फॉर्मूला और बच्चों का करें जीना हराम। बाय बाय।